हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सलाम बाकी सब खैर एंड वेलकम बैक हियर अगेन। विजय, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? हरियत है? फिट फाट हो? इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी आपको मैं बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाने लगा हूँ। मैं 2018 में जब इधर आया था तो मुझे यहाँ के लोगों ने फरमाइश की कि हमें पाकिस्तानी कपड़े चाहिए, लड़कों के, लड़कियों के, तो मैं ले के आया था। पर मुझे ऐसा लगा कोई फ़ायदा हुआ नहीं, इन्होंने वैल्यू ही नहीं दी साढ़े कपड़ों को, ना पहनते हैं। और एक बार ट्राई कर लिया इन्होंने तो बस, यूजुअली ये पहनते नहीं ना बस ऐसी कोई स्पेशल इवेंट पे। और इसमें के लिए भी मैं लाया था कुछ दो जोड़े और पड़े थे। आज मैं दिखाता हूँ कैसी लग रही है, लेट मी शो यू। Hello, sobat. Hello, assalamualaikum. Indonesia. Hi. Pakai baju Pakistan. Yo. Comfortable ya? Aho. Comfortable ka? Aho. Aho. Ayo. अच्छा वीरे, अभी हम लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ हमने वीडियो बनानी है और बड़ी अच्छी लग रही है इस ड्रेस में। अच्छी तो वैसे भी यही हिजाब पहन के लगती है पर इस ड्रेस में कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। उसके अलावा रिश्मा की दोस्त हैं, यो निशा, निशा ये रिश्मा की दोस्त हैं, इन्होंने भी रिश्मा की ड्रेस पहनी है। ये ड्रेसेस मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी लगेंगी इनको, पर फिर भी वीडियोज़ बनाने के काम आ गई हैं। अभी हम यहाँ पर टिकटॉक की कुछ वीडियोज़ बनाएंगे और उसके बाद फिर पिक्चर्स लेंगे। मुझसे जो गलती हुई है वो यही हुई है कि मैं कुर्ता कमीज लाना भूल गया। काश मैं शलवार कमीज ले गया होता, कितनी मज़ेदार आज वीडियो बननी है। चिट्टा सूट मेरा उत्थे पिया पिया सड़दा पिया। खैर, नो प्रॉब्लम, कोई अच्छा जी वीरे, वापस हम आ गए हैं। इस वक्त 3 बज रहे हैं और 2 घंटे रह गए हैं रोज़ा खुलने को, 2-2.5 घंटे। पर आज रोज़ा मेरा दिल करता है मैं रोटी के साथ खुला ते एक खुशखबरी जी। रिसेंटली आपको मैंने बताया था मैंने आटा ऑर्डर किया है, आटा पहुंच गया है। ये अभी अभी मैंने खोल के चेक किया है, ये आटा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहा था वो मिला है, अभी पता नहीं है पक्का, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी सारे आटे बाय करके देख लिए हैं। एक ये आटा है, इसके अलावा और भी 2-3 बाय करके चेक किए, सब में यही पता लगा कि आटा यहाँ पे है ही नहीं, ये सिर्फ मैदा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ऑनलाइन बाय करना पड़ा। अभी ये नहीं पता मुझे ये आटा कैसे मैदा है, अलग अड़े ये आटा ही निकले। पर रोटी बनाना कोई आसान काम थोड़ी है, बनानी मुझे आती कोई नहीं, चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। पर कोशिश की जा सकती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय रोटी। आयो, सबसे पहले हम वीरे चंगी तरह हाथ धोएंगे, कोरोना आटे में ना बढ़े। इसके बाद हम आटे वाला बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे आटा। आटा हमें सिर्फ चाहिए 1-2 रोटी का, टेस्ट करने के लिए कि वाकई ये आटा है कि मैदा है। ये आटा भाई जी जितनी मुश्किलों से मिला उतना ही महंगा मिला है। 1 किलो आटा सानू लभ्या पाकिस्तानी 1000 रुपये का, इसलिए थोड़ा थोड़ा नहीं आटा ही लगता पा। इसलिए हमें बड़े ध्यान से आटा थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है ताकि आटा जो है ना जल्दी से मुके ना। कलाओ माओ ऑर्डर लीमा के जी लिया का। अच्छा वीरे, आटा हमने गूंद लिया है, मैंने पानी ज़रा एक्स्ट्रा डाल दिया था, बड़ा मुश्किल था आटा गूंदना, उसकी वजह मुझे आता नहीं है। मैं कभी पानी बोता कर छड़ना हाँ, कभी वो कर छड़ना हाँ यार, कभी आटा बोता कर छड़ना हाँ। फाइनली गूंद दे लिया, पर मैनू नहीं पता सही गुजिया कि नहीं, ये भी पतला ही है थोड़ा। पर खैर अभी हम रोटी बनाएंगे, मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। नहीं ठीक है, काम ठीक चलेगा, चलेगा। अच्छा पिछले व्लॉग जो तुम्हें मैं दसिया ही मैं एक चीज़ लभी है, वह है लभी है मैं नहीं हूँ पता ना कि ये चकलै के वेलना वे तो असा गोल गोल जो हों बनावे फिर
गोल रोटी बननी तो नहीं ये नाल पर कोशिश की जा सकती है। हैं सब तो पहले जी रोटी असी बनावांगे पेड़ा जाच है मुनू है नहीं कि जाच नहीं मुनू नहीं हूँ जाच नहीं जी उसके बाद हम रोटी की अब तैयारी करेंगे पहले इंज करी दी है ना घर वेख्या मैं पर पकाते हैं तो मैं पता जे थोड़ा थोड़ा ठीक है बाकी जे मैं भुल गया तो मैं दस दुस रहे हैं जाच जूच मैं कोई नहीं जे उंज शो मारन वास्ते मैं कह रहा मैं जाच है जाच मैं इन्नी होंगी तो मैं कि मिनिस्टर ना लग जाता 1 2 3 डैडी ओ पिछे पिछे हो सारे मैं रोटी बना लगा जे ऐ घूमेगी 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 इतों गोल गोल इन घूमना चाहिए नहीं नहीं घूम रही है थोड़ी थोड़ी है कम चलेगा है मुंडा वेखो तुसी रोटी पकांदा पिया ओके वीरे दो रोटियां बनाई हैं मैंने दो ही खा सकूंगा पहला दिन है आज पहली ये बनी है इल्यूमिनाटी का निशान वाली और दूसरी ये बनी है नहीं ऐ ठीक है थोड़ी गुलाई दे वेचे ते नाल मैं बनाई जे दाल परदेस दियां यादां पाकिस्तान जो तुसी तुहानूं ए चीज़ महसूस नहीं हो सकती है इहदी वैल्यू इहदी पर हानू पुछो जिन्हों 7-8 अज मैं पता किन्नी देर बाद रोटी खा लगा 8 महीने बाद जदों दा पाकिस्तान तो आया उदों दी मैं ए वाली रोटी नहीं खाधी ए मैं खा लगा वा 7 महीने बाद ते मेरा ढिड बंगालियां ऑरेंज बनिया आटे दी थैली खैर पहला टेस्ट अपनी हक लाल दी रोटी जिहड़ी मैं घंटा ला के बनाई उहदा की है थोड़ी कच्ची रह गई है एक तो बड़ी होर ट्राई करना खलोइयो सुखा आटा बोता लग गया उत्ते थोड़ी कच्ची रह गई है बहरहाल खैर मैं रोटी खा लवां हुण रोज़ा खुल गया रोटी खा के नमाज पढ़ लां फिर वीडियो एडिट करनी है बाकी दुआवां जी याद रखियो मिलने हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग खुदा हाफिज़।